भले अभी शादी करने में मेरी मर्जी ना हो, पर जीवन साथी तो अपनी मर्जी का चुन सकती हूँ ना। कहीं वो कुंदन तो नहीं? नहीं नहीं जया, जल्दबाजी मत कर, आज ही तो उससे मिली है। कौन था? वो कुंदन। बात हो गई आपकी? नहीं हुई। तो फिर कर लो ना बेटी, बात कर लो। हाँ जय बेटे, बेटे आजा आजा, बात बात कर लो, बात कर लो। कुंदन जैसा भी होगा, जैसे तो बेहतर ही होगा ना। किसी अनजान से अगर शादी करनी ही है तो कुंदन से क्यों नहीं। बाबा, बाबा आप यही चाहते थे ना कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। हाँ। तभी माँ को शांति मिलेगी। हाँ। तो ठीक है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। बाबा मैं कुंदन से शादी करना चाहती हूँ। आप उसके पिताजी से हम दोनों की शादी की बात कर लीजिए। बाबा मैं कुंदन से शादी करना चाहती हूँ। आप उसके पिताजी से हम दोनों की शादी की बात कर लीजिए। बाबा मैं कुंदन से शादी करना चाहती हूँ। आप उसके पिताजी से हम दोनों की शादी की बात कर लीजिए। आप उसके पिताजी से हम दोनों की शादी की बात कर लीजिए। हाँ पूछ रहा हूँ, रुक जाना। ए तुम लोग उसको पहचानते हो? हाँ 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 भैया जानते हैं, लेकिन आपको इस आदमी से क्या काम है? हमें इसके घर में चोरी करनी है। हाँ आपको पता है ये चोर है? ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये चोर है। अब आपके इतने बुरे दिन आ गए कि चोर के घर में चोरी करोगे? Excuse me. ज्यादा बोल मत, समझा ना। बुरे दिन नहीं आए इसके लिए हमको चोर के घर में ढाका डालने का है। उसके पास हमारी बहुत जरूरी चीज है। तो पुलिस के पास जाओ ना, खुद क्यों चोर बन रहे हो? अरे हाँ। वो चीज हमारे पास होती ना तो हम तुम्हें क्यों तस्वीर पूछ रहे थे कौन है कौन है। अगर वो चीज पुलिस को मिल गई ना बेटा तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अगर आपको चोर ने पकड़ लिया ना तो आपका अस्थि कलश फूट जाएगा। देखो आप इसके पास मत जाओ, बहुत खतरनाक चोर है। आपको पता इसका नाम क्या है? तमन चोर। अबे तू अचानक तोतला कैसे हो गया? बोल रहा है तमन चोर नहीं चमन चोर। अरे दीपक भैया मैं तोतला नहीं हुआ हूँ, इसका नाम तमन चोरी है, क्योंकि इसके पास हमेशा एक तमंचा होता है। तमंचा धारी चोर तमन चोर। और इसने पता है उस तमंचे से एक दो लोगों को उड़ा भी दिया है। क्या क्या बात कर रहा है यार? क्या बात कर रहा है यार? उर्मिला मालपानी जी, मैं क्या बोलता हूँ कि प्लान थोड़ा चेंज करते हैं।
चोरी कैंसिल है? चोरी कैंसिल है? बहुत खतरनाक चोर है यार, पुलिस भी उसको कैसे पकड़ेगी, उसके पास तो नहीं। ए फट्टू, दीपक देख, जब तक वो लॉकेट ना उस चोर के पास है ना, अपने जय भाई की लाइफ में टेंशन रहेगी, और अपन को जय भाई की लाइफ से टेंशन दूर करने का, इसके लिए अपने को तो उधर जानना ही पड़ेगा। हाँ यार, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जैसे प्यार करता हूँ, मेरा भी भाई है, लेकिन यार वो चोर कितना खतरनाक है, मालपानी जी कितना खतरनाक है, आप भी मत जाना। हाँ प्लीज मत जाना। मैं तो चाहूंगी दीपक, मुझे ना चोर से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जिसके वजह से वो चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। कौन सी बात करनी है आपको चोर से? इधर आओ, देखो इमेजिन करो कि तुम चोर हो, ओके? सो चोर, तुम चोरी करना बंद कर दो, तुम्हें ना बैंक में 1 करोड़ की एफडी कर दो, जिससे तुम्हें इंटरेस्ट एवरी मंथ आएगा और तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके? वाह मालपानी जी वाह, इतनी सी भी अक्ल नहीं है आपको, कितना बकवास कर लेते हैं आप। देखते चोर तुझसे कैसे बचता है। yes! तुम लोग हमेशा ऐसा करते हो, मुझे अकेला छोड़ के वापस निकल जाते हो यार। तो हमने तेरे को कब बोला कि माता, मैं तो बोल रही हूँ चल चल चल, तू ही मना कर रहा है। हाँ तो ठीक है चलो। वेरी गुड, अब हम चोर के घर में चोरी करेंगे, मजा आएगा। अरे दीदी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो घर में नहीं, वैन में रहता है, और उसी वैन में चोरी का सारा माल रखता है, और दुबई के बड़े बड़े शेख लोगों को बेचता है। मतलब इसका मतलब चोरी का माल वो बेचता है? अरे तो ये बात पहले बोलनी चाहिए ना। एक काम करते हैं, हम लोग शेख बन के जाते हैं और उससे चोरी का माल खरीद लेते हैं। हाँ गुड आइडिया। तो उस्मान भाई को बोल के उसे बुलाने के लिए बोल देता हूँ। उस्मान भाई? हाँ बोल दे बोल दे, बीच बोल। लेकिन थोड़ा संभल के, अगर उसे पता चल गया कि आप लोग शेख नहीं है तो तमंचे से उड़ा देगा। ये उड़ाने वाली बात पहले बोलनी चाहिए थी ना यार। ए दीपक डरता काहे को है, हम लोग हैं ना तेरे साथ, चल। अरे हम में माल पानी भी आती है यार। अरे तू चल ना रही, चल। उड़। जिस बात का डर था वही हो गया, इसीलिए मैं शादी के लिए जल्दबाजी कर रहा था। मुझे महसूस होने लगा था कि जया कुंदन को पसंद करने लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि वो उसको पसंद करे उसके पहले आप दोनों की शादी करवा दो। लेकिन जया ने बहुत जल्दी फैसला ले लिया। जया के फैसले से मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, आप दोनों की माफी मांगता हूं। आपको लगता है इसमें जया की गलती है बाबा? गलती आपकी है, आपकी जबरदस्ती और जल्दबाजी ने जया को मजबूर किया ये फैसला लेने के लिए। अगर मैं जया की जगह होता ना बाबा, और आप मेरे साथ ये जबरदस्ती करते ना, शादी कर ले, मैं घर छोड़ के भाग गया होता, और किसी भी ढंग के लड़के के साथ शादी कर लेता, आपको बताता भी नहीं। ए बेटे, शुक्र मनाइए, जया ने ऐसा कुछ नहीं किया है बाबा, बल्कि उसने अपना फैसला सबसे पहले आपको बताया, आपको पहल करने के लिए कहा। इतने प्रेशर में भी उसने सिर्फ आपके बारे में सोचा है बाबा। आपको जया पे गर्व होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं बाबा, शर्मिंदगी नहीं। बेटे किस मिट्टी का बना है रे तू? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को पसंद कर रही है, तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगता? बुरा लगता है बाबा, बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपनी किस्मत पर जया कुंदन को पसंद करती है,
उसमें बुराई क्या है? कुंदन अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का नहीं है। और जया को थोड़ी याद है कि मैं उसका पति हूँ, वो थोड़ी ना मेरे साथ कोई बेवफाई कर रही है। अब हमें उसके नजरिए से सोचना होगा, वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। इतने महान हो बेटे तुम, कितनी अच्छाइयां हैं तुम्हें, लेकिन जया को क्यों नहीं दिखती है वो? मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं अगले जन्म में जाए मेरी बेटी हो या ना हो, लेकिन तुम ही मेरे दामाद बनो। लोखंडे जी, अगले जन्म की बात बाद में सोचेंगे, इस वक्त जया जो है वो कुंदन से शादी करना चाहती है, उसके बारे में कुछ सोचो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जय बेटे, अभी तुम ही कुछ तरकीब निकालो, तुम ही कुछ कर सकते हो बेटे, क्या करे? जया को आजाद कर दो शादी के वादे से। क्या? 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 हाँ बाबा, और ये आप ही कर सकते हैं। आपको जया को भरोसा दिलाना है कि जया की शादी तब होगी जब जया चाहेगी। बाबा, ये रास्ता है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। हाँ बाबा, बात करते वक्त फोन आप कुर्ते की जेब में रखेगा। क्यों? अरे आप और जया जो बात करेंगे ना, वो हम लोगों को सुनाई देगी। नहीं नहीं, डॉक्टर कहते हैं मोबाइल यहाँ रखने से दिल को हानि पहुंचती है। अरे कोई हानि हानि नहीं होती है, आपके साथ बात करते वक्त मैं भी जेब में मोबाइल रखता हूँ ना। क्यों, मेरी बात किसी को सुनाते है क्या? बाबा बाबा, ओ पिताजी तो हमेशा कुर्ते के ऊपर वाले जेब में ही फोन रखते हैं ना, हमेशा ही। उनकी पतलून में जेब ही नहीं है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, क्या है कि जेब में रखने के लिए पैसे ही नहीं है, तो फिर पतलून में जेब सिलवा के क्या फायदा? नहीं, फिर भी ये मोबाइल ऊपर रखना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक होता है। हाँ, तो बहन जी को कहो और वो दोनों तरफ से जेब सिलवाओ। हाँ मैं बोल दूंगा, लेकिन आप कुछ देर के लिए फोन ऊपर रखेंगे ना? हाँ मैं रखूंगा, लेकिन जैसे बात खत्म होती है तुरंत मैं नीचे के जेब में रख दूंगा। हाँ, तो चलो ठीक है। ठीक है, हाँ बेटा, हिल क्यों रहा है? गाड़ी रुकी हुई है। अरे गाड़ी का नहीं, मैं डर के मारे हिल रहा हूँ। डर मत दीपक, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। अरे ये है तो इसलिए और डर लग रहा है मुझे। एक काम करते हैं, मुझे लगता है ना कि लौट नहीं आएगा, चोर चलते। I think he's trying to say चोर नहीं आएगा, चलो लौट चले, है ना? हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। दीपक तू काहे को डर रहला है? Come on, दीपक, आज अपन को ये काम खत्म करके जानना ही चाहिए। कौन सा काम? दीपक! नहीं नहीं नहीं, हाँ। उर्मिला, I'm so excited, पता है? मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ना पहली बार जिंदगी में मुझे अमीर औरत का रोल प्ले करने को मिला है। मेरा नाम है मालवानी, जितना समंदर में पानी नहीं उतना माल है मेरे पास। इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? मालवानी, मैं धारावी से, अबू धाबी से नहीं है, और चोर को थोड़ी अभी आती होगी। तू ना कुछ भी सेंटेंस बोलना और उसके लास्ट में बोल देना वल्ला वल्ला, चोर मान जाएगा कि अपन अरबी है। मैं प्रैक्टिस करूँ? हाँ, मेरी नाम है मालवानी वल्ला, जितनी समंदर में पानी नहीं है उतना माल है मेरे पास। वल्ला वल्ला वल्ला, बहुत बढ़िया। अरे अभी तक चोर काई को नहीं आया। वल्ला उर्मिला, तो ऐसे मराठी अरबी बोलेगी ना तो सब मरेंगे, चोर सबको मारेगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, चुप बैठ चुपचाप। कुछ नहीं होगा दीपक, तू काई को डर रहा है, चुप रह। ये कोई गाड़ी आ रही है, आ रही है। लगता है चोर आ गया। आ गई गाड़ी, आ गई। वल्ला वल्ला वल्ला, चलो चलो चलो, जल्दी लगा जल्दी लगा।
मालपानी आप एक काम करो, आप ये भी ढक लो, मुझे बहुत डर लग रहा है आपको देख के ऐसे। ये दीपा। हाँ। जय बेटी। बाबा आपने कुंदन के पिताजी से बात कर ली? नहीं बेटा, मैंने क्या सोचा, जो शादी के बारे में हमारी बातें हुई है उसे भूल जाओ बेटी, शादी मत करो। कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको अचानक क्या हो गया? नहीं अचानक कुछ नहीं, मेरे अंतचक्षु जो है वो बंद हो चुके थे तो मैं गलत कर रहा था। ये जो शादी करने के लिए तुम पर जोर जबरदस्ती जो कर रहा था वो गलत था, वो मैंने सोचा। तो मत करो अभी शादी, मत करो, जब तुम्हारा मन हो तभी तुम शादी करो। हाँ तुम आजाद हो बेटे, अभी आजाद हो। पर आपने आपकी और आई की कसम दी थी, उसे भूल जाओ। लेकिन स्वर्ग लोक में आई तड़प रही होगी, उन्हें मेरी शादी की चिंता होगी, उन्हें तड़पने दो ना। क्या है अभी, तुम्हारे माँ का सपना पूरा करने के लिए तुम्हारे सपनों का गला तो नहीं घोट सकते है ना, तो वो भूल जाओ अभी, तुम शादी की बातें भूल जाओ और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। बाबा मुझे एक बात बताइए, आपको ये खुद समझ में आया है कि आपको ये जय ने समझाया है? ऐसा क्यों होता मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है? नहीं जय क्यों समझाएगा, मुझे खुद समझ में आई। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए, ये जय का प्लान था ना? गए काम से मर गए, गई भैंस पानी में। नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं था ऐसा। तो फिर आपके हाथ क्यों कांप रहे? देख पापा, कुछ नहीं, मन में गाना चल रहा है तो उसका मैंने टेका पकड़ा था। एक मिनट बाबा, आप झूठ बोल रहे हो, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है। आप सच बताइए, ये जय का प्लान है ना? अरे बताइए मुझे। देखिए आपको मेरी कसम, गए काम से गए। हाँ ये जय ने ही कहा था, लेकिन उसने तुम्हारे भलाई के लिए कहा था बेटी, कि मजबूरी में ऐसे फैसले लेना ठीक नहीं है। वाह क्या जादू कर दिया उस लड़के ने आप पे। आपको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब उसकी चाल है। सबसे पहले उसी ने कहा था ना कि शादी के लिए मुझ पे जोर डाला जाए, और अब जब मैंने कुंदन का नाम लिया है तो वो आपको ये कहने बोल रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है बाबा? नहीं नहीं बेटी, उसके कहने पे मैंने शादी के लिए जोर नहीं डाला था, वो मेरे मन में ही आया था। अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो बाबा? आपको उस पे भरोसा है या मुझ पे? अरे बेटी शांत शांत हो जाओ बेटी, देखो ए बेटी शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, भूल जाओ ना, जो हो गया वो हो गया, वो भूल जाओ। ऐसा करते ये किस्सा ही हम यहाँ खत्म कर देते हैं। हाँ शादी का सोचना भी मत अभी, अभी सिर्फ तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बाबा एक मिनट, ये किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होगा। मैं जय को उसके इरादों में सफल नहीं होने दूंगी। हाँ? अब सब कुछ
मेरी ही मर्जी से होगा ना, तो ठीक है, मैं कुंदन से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा? और वो भी जल्द से जल्द, और ये मेरा फैसला है। अब आप जाकर कुंदन के पिताजी से बात कीजिए हम दोनों की शादी की। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.